हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं माता महाकाली के मंदिर में और आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा है और काफ़ी अच्छा मतलब मंदिर को खूब अच्छे से सजा रखा है लोगों ने। हमारे यहाँ के लोग वहाँ नवरात्र में पूजा पाठ भजन कीर्तन भी चलते हैं और अभी लेके जा रही हूँ मैं, तो ठीक है अभी वहाँ जाके दिखाऊंगी। तो गाइस अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ा रोड भी यहाँ कच्ची है तो गाड़ी चलने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अभी मैं और मेरी देवरानी और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में, तो वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अब मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको गाइस। ये मंदिर में जाने का रास्ता है, देखो अभी हल्की सी धूप भी है, ये शाम का टाइम हो रखा है। बस यहीं पे ना, यहीं से ऊपर जाना है ना। तो गाइस ये मंदिर जाने का रास्ता है, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। ये गाइस कहाँ है मंदिर, कहाँ पहुँचा है मंदिर आपका? रास्ते में है अभी हम, रास्ते में ही है। थोड़ा चढ़ाई है मंदिर के लिए, थोड़ा नहीं है बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। जो लोग यहाँ पे आते रहते तो उन्हें उनकी तो हैबिट बनी रहती है। तो गाइस रुक रुक के जा सकते हो, वैसे माता ने ये नहीं बोला जल्दी जल्दी आना है गाइस। ये देखो ये लोग गाय चुआ रहे हैं और घर जा रहे हैं, बच्चे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं रितु? ये होती है कंडाली। अगर ये हो इस एक बार लग जाए ना तो जिंदगी में याद रहता है कि ये घास वो होती है कंडाली। देखो सब्जी भी बनती है इसकी। हाँ सब्जी भी बनती है, आई नो। तो गाइस हम फाइनली मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये हमारा मंदिर है, हमारे सभी गांव का मंदिर, सभी लोग जितने भी आसपास इधर गांव है सभी का मंदिर है। इधर अभी शहर से पंडित जी भी आ रखे हैं। जय माता महाकाली की जय हो। ये हमारी माता महाकाली का मंदिर है और यहाँ पे इस ऋतु अंदर चली गई है माता महाकाली के मंदिर में। ये माँ की मूर्ति है, जय माता जी तो गाइस हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। जय माता दी। ये सोनू जी हैं, ये भी अंदर जा रहे हैं माता के दर्शन करने। ये देखो यहाँ पे बांस का पेड़ है, देखो कितना बड़ा है। किधर? हाँ इसको भी करूँगी। यहाँ पे एक मंदिर के सामने बांस का पेड़ भी है। तो गाइस हम जा रहे हैं चायबड़ा गांव में। तो देखिए गांव का एक सुंदर सा व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हाय रहना मत।
तो गाइस देखिए गांव का सुंदर नज़ारा, लोगों ने यहाँ गोट की हुई है जिसमें कुछ समय के लिए गाय बच्चों को बांधा जाता है। ये हमारी एक गढ़वाली परंपरा का प्रतीक है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही शांत माहौल है गांव का। तो गाइस देखिए ये बांस का पेड़ है, इस पे बीज लगे हुए हैं बांस के, जिन्हें निकाल कहते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं दूसरे गांव में। देखो लोगों ने यहाँ पे ये लकड़ी जो डाल के नीचे कीले बोलते हैं इनको, तो इनमें गाय को बांधते हैं और सुबह मॉर्निंग होते ही गाय यहाँ पे आ जाती है और धूप सेकती है। उसके बाद लोग ने लगभग 9-10 बजे गाय में वहाँ जंगल में भेज देते चराने के लिए, तब आएंगे तो अपने घर में। प्राचीन शिव नारायण मंदिर है ग्राम सभा चैवाड़ा का। इसका पुनर्निर्माण 2014 फरवरी को 2017 में हुआ था और अभी लोगों ने ताला लगा रखा है, जा भी नहीं सकते अंदर। तो ये देखो अंदर जमीन के अंदर से पानी आता है, तो इकट्ठा कितना सारा पानी हो रखा है। लोगों ने भी यहाँ पे एक टैंक बना रखा है, उसके अंदर पानी है, छोटी छोटी मछलियाँ भी है और देखते कितना ठंडा पानी हो रखा है। मछलियाँ, हाँ मछलियाँ भी है, वो बहुत ठंडा पानी हो रखा है, बिल्कुल साफ पानी है, शुद्ध पानी। नमस्ते 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 नमस्ते। ये गोरम जाते हैं, हाँ ये गोरम जाते हैं, चश्मा पहनते हैं, इनके बड़ी बड़ी लोग कितना मेहनत करते हैं गांव में, कितने दूर दूर से पानी ले जाते हैं, फिर भी अच्छा पानी है, फ्री का पानी है। देखो किसी ने बंठा रखा है, किसी ने बाल्टियां पकड़ रखी है, ये दो बच्चे हैं, वो आगे से मामा जी हैं, उधर मेरे हस्बैंड है, सोनू है। एक्सरसाइज भी हो जाती है लोगों के गाँव में, पानी वानी ला के। देखो ये गांव की लड़की, बर्तन का बंठा रखा है कितना बड़ा, और कहाँ जा रही है बर्तन धोने? पानी रोल। अच्छा देखो नमस्ते। ये देखो लोगों ने, ये यहाँ गौशाला है, गाय रहती है यहाँ। ये देखो छन्नी है, इसको छन्नी बोलते हैं, छन्नी। आगे से मेरी सिस्टर जा रही है, मेरी बहन जा रही है आगे से। ये देखो छोटी सी गाय, ये सनफ्लावर है, इसको सुरजकौन बोलते हैं, इसके लिए सुरजकौन बहुत टेस्टी होते हैं, इन्हें लोग सर्दियों में खूब खाते हैं। ये अपना टाइम पास भी हो जाता है, गाय बच्ची चराने जाते हैं और ये भी खाते हैं, तो अपना टाइम पास भी हो जाता है। ये छोटी सी बाछी है, ये सो रखी है, अरे कितनी प्यारी प्यारी बाछी है। ये मुझे घूर रहा है, कैसे घूर रहा है देखो, कि मेरी वीडियो बनाओ। देखो मैं बनाती हूँ, जो कैसे देख रहा है, आपकी फोटो खींचनी है, देख कैसे देख रहा है, खुश हो रहा हो, मेरी फोटो बन, मेरी वीडियो बन रही है। ये की है छोटी सी काओ, बेबी काओ, ये देखो कितनी प्यारी है ना। हाय, क्या खाएगी तू, घास खाएगी? नहीं खाएगी, कुछ नहीं खाएगी तू, छिड़क ले ताली भाई, पड़ल हुए रहा है, छिड़क ले, क्यों आटा डाल सही इनके, क्यों ना अभी आ रहे हो तो गाइस देखिए यहाँ पर गेहूं की दाल सुखाई गई है, जिसे डंडे से कूटा जाता है और फिर दाल निकाली जाती है। इस चैबड़ा गांव में बहुत दाल होती है। ये देखो नीचे दाल, देखो दाल ही खत्म, ये देखो दाल, देखो गेट भाई, ये बन, इनका बनता है फाणू, ये देखो ये होती है दाल, बहुत स्वादिष्ट दाल होती है। नाश्ता पिसा है, नाश्ता नाश्ता, ये लोगों ने हरी घास उगा ली थी।
फिर आना गाइस। इस गांव में हमारी एक छोटी सी दुकान है, पापा जी अपने टाइम पास के लिए यहाँ भी खोल रखा उन्होंने। कद्दू कद्दू दिखाती हूँ, ये देखो ये है कद्दू की बेल। कद्दू दिखाती हूँ मैं, कद्दू लग रखा उस पर, देखो ग्रीन ग्रीन सब ये कद्दू लग रखा उस पर, अंदर छुप रखा है। ये देखो क्या हरा हो रखा है कद्दू, ये देखो यहाँ सब्जी की कोई कमी नहीं है इस गांव में। ये दाल देखो कितनी सारी दाल है। और यहाँ एक मेरा दोस्त का घर भी है, ये मेरे साथ पढ़ता था। ये मेरा क्लास फेलो है संदीप, मेरे साथ पढ़ते थे हम दोनों, ट्वेल्थ में साथ में पढ़ते थे। बहु बुलामा बोल जा ना, वो अज्ञाम अज्ञाम पर बोल दे क्या जा भाई, बोले आलोएल अच्छा था नहीं था नहीं तो मार 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 फरवा हुआ कोरदार।